दे रही है प्रॉपर. एक्चुअली हम लोगों को डांस का शूट करना है एंड बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है. हाय टीना. टीनू फिर अगेन फ्लाइंग किस. तो हम लोगों का जो प्लान है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है और अभी हम लोग ऐसे ही गप्पर मार रहे हैं और बैठे हुए हैं. ये लोग मेरी कैमरा वुमेन है. तो इतने सारे कपड़े लेकर के आई थी, मतलब आज मैंने सोचा था मैं 2 से 3 वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि इनके पास भी आज टाइम था, ये लोग घर पे थी और अनफॉर्चुनेटली अभी जैसी बारिश स्टार्ट हो गई और वो बंद नहीं हो रही है. कोई नहीं, वी आर वेटिंग. और टीनू अभी हम लोगों के लिए चाय बनाने गई है. माय गॉड, हमारा शूट तो हो ही नहीं पाया. कैमरा लेके क्यों खड़े हो? क्या बनाया है? विक्की ने मुझे लिटरली 2 से 3 बार कॉल कर करके बुलाया है, मतलब परेशान कर दिया था, जबकि विक्की के बहन के पास ही बैठी थी मैं. उन लोगों को भी बोल देते चलो. तो अभी जस्ट हम लोगों का खाना वाना खाना पीना सारी चीजें हो गई हैं एंड आप बाहर देख पा रहे हो कि नहीं, आई डोंट नो, बहुत तेज बारिश हो रही है. और कल एक्चुअली मेरी कज़िन यहाँ पे रहती है, मतलब मेरी रियल बुआ की बेटी रहती है, शी इज़ ऑल्सो मैरिड. तो कल हम लोगों ने उनको लंच पे बुलाया है, तो कल वो आने वाली है. तो उसकी छोटी छोटी प्रिपरेशंस कर रही हूँ मैं, जो गला के रखने वाली चीज़ें हैं वो गला के रख दी है मैंने. और अभी मैं थोड़ा सा स्किन केयर रिजीम अपना जो है फॉलो करूँगी और बस, और कुछ आई थिंक और कुछ खास नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है. एंड वन मोर थिंग, तो अभी जस्ट मैं फटाफट से अपना फेस पैक लगाऊंगी और अभी भी मेरे कपड़े सूख रहे हैं, सूखे नहीं हैं. तो अभी मैंने अपने फेस पे लगाया है बॉडी शॉप का राइज एंड जिंसिंग मास्क और क्लैरिफाइंग पॉलिशिंग मास्क. और मैंने ये परचेस किया था जब मैं सिंगापुर गई थी, मतलब लास्ट नवंबर में, और अभी तक ये बॉटल चल रहा है. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट बॉटल ऑफ दिस ब्रांड, एक्चुअली नॉट ऑफ दिस ब्रांड, मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर राइज एंड जिंसिंग मास्क है ये मेरा फर्स्ट बॉटल है. और क्योंकि वहाँ पर कुछ तो भी स्पेशल डे था, मैंने एयरपोर्ट से परचेस किया था, तो मुझे ये बेसिकली आई गेस 2200 या 2100 का आता है, बट इंडियन रुपीज़ में मुझे ये 1400 का वहाँ पर मिला था. और अभी तक मेरी ये बॉटल चल रही है, मैं 15 days में एक बार लगाती हूँ, अदरवाइज मंथ में एक बार लगाती हूँ. एंड इफ यू हैव ऑयली स्किन एंड इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, मतलब मुझे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ एक्ने एक ना एक होता ही रहता है फेस पे, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन स्किन है, बट इट वर्क्स रियली रियली वेल. जैसे मुझे ब्राइटनेस चाहिए होती है अपने फेस पे और अपना फेस बहुत क्लैरिफाई करना होता है, इसमें स्क्रबिंग प्रॉपर्टीज भी है, तो मैं इसको लगाती हूँ फॉर 1/2 hour एंड देन आई जस्ट वॉश्ड ऑफ माई फेस. तो आज मैं इसको लगा रही हूँ, काफी दिन से मैंने नहीं लगाया है. तो यस, दिस इज़ माई मास्क. एंड बॉडी शॉप के मेरे पास है 4 to 5 प्रोडक्ट्स हैं फेस के, एंड मुझे सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है. आई नो थोड़े से कॉस्टली आते हैं, बट वर्थ द मनी, मतलब वो मेरे फेस पे तो इफेक्ट करते हैं अगर आपको सूट नहीं करते. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैंने सुना है कि उनको बॉडी शॉप का कुछ खास इफेक्ट नहीं दिखा है, बट मेरे फेस पे एक्चुअली इट वर्क्स रियली रियली ग्रेट. सो आई रियली लव बॉडी शॉप प्रोडक्ट्स. एंड दिस क्यूट बैंड इज़ फ्रॉम मिनेसो. सो यस, अभी मेरा नाइट रूटीन है, ये लगाऊंगी और ये लगाने के बाद मैं नोज़ के ऊपर जो भी वाइट हेड्स हैं उनको निकालने का एक पील ऑफ मास्क लगाऊंगी. एंड देन आई शो यू एवरीथिंग, व्हाटएवर आई विल गोना यूज इट. सो यस, सैटरडे का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ. ये जो है मैंने बहुत पीछे कर लिया बिकॉज मुझे हेडेक होने लगता है इसको लगाने के बाद, और इसको कुछ नहीं, जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा तो मैं ऐसे करके निकाल दूंगी. एंड आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे संडे को. टिल देन बाय. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और आज है संडे, तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू. एक्चुअली मैंने सुबह से व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं सो करके लेट उठी थी, जैसे कि आप सबको पता है कि संडे को हम लोग लेट सो के उठते हैं, बट आज ऐसा हुआ था कि हम लोग अलार्म भरना भूल गए थे, हमने अलार्म नहीं भरा था,
और हम लोग लेट हो गए क्योंकि 10:30 हम लोग उठे हैं और आज मेरे घर में मेरी कज़न आने वाली है, मेरी बुआ की, मतलब मेरी रियल बुआ की जो छोटी वाली बेटी है वो यहीं पर रहती है, तो वो मैरिड है वो भी, तो वो लोग आने वाले हैं। मैंने आपको कल बताया था सैटरडे वाले उसमें, तो हम लोगों को सारा प्रिपरेशन करना था। ऑल द झोले मैंने बनाए हैं तो वो तो मैंने रात में गला दिए थे, तो अभी 1.5 आवर में फटाफट सारी चीज़ें करी हैं और मैं फटाफट से नहाने के लिए गई हूँ और अभी आई हूँ। ऑल द भी विक्की ने कॉल करके पूछा था सृष्टि से, तो अभी दे आर ऑन द वे, तो उनको टाइम लगेगा, वो लोग अंधेरी से आ रहे हैं। एंड बस यही है। और मेरे यहाँ पे रहते काफ़ी सारे रिलेटिव्स रहते हैं, बहुत सारे पहचान वाले लोग रहते हैं, बट सब लोग इतना दूर दूर रहते हैं और सब अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि मिल नहीं पाते हम लोग, तो इसलिए वी ट्राई कि किसी को हम लोग खाने पे बुलाए तो उस बहाने एटलीस्ट मिलना हो जाए, गेट टुगेदर्स हो जाए, तो इस तरह से ऐसा है। एंड उसके साथ मैं व्लॉग तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि कोई मेरे घर पे आया है और मैं कैमरा लगा करके बैठ जाऊँ तो सामने वाला भी अनकॉन्शियस हो, तो थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो हम लोग बातें करेंगे, इतने टाइम बाद मिले हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उन लोगों को कंफर्टेबल होगा मैं ऐसे कैमरा लगा के बात, कोई भी अनकॉन्शियस होगा एकदम से, तो आई एम नॉट गोइंग टू व्लॉग बिल्कुल प्रॉपरली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट मैं उसका एक बात बताऊंगी सृष्टि का, जो मेरी बुआ की बेटी है, शी इज़ सो डैम गुड इन स्टाइलिंग, मतलब वो ऐसा ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करती है, शी इज़ इन टू नॉर्मल जॉब, कॉर्पोरेट जॉब में है वो, बट उसकी जब शादी हुई थी, मैं यहाँ पे कहीं पिक्चर डालूंगी उसकी शादी के ड्रेस का, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतनी शादियाँ अटेंड करी हैं उसमें से अगर किसी का बेस्ट ड्रेसिंग सेंस मुझे लगा है शादियों में जो पहना है तो शी इज़ वन ऑफ देम, मतलब वो अल्टीमेट ड्रेसेस सेलेक्ट करती है उसके, तो उसका मैं पिक्चर यहाँ पे डालूंगी, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनती है वो। मेरी जो जितने भी लोग मेरे थ्रू उससे मिले हैं वो लोग सब बोलते हैं यार सृष्टि का ये ड्रेस दिखाना ना, सृष्टि का ये, मतलब उससे पूछा ना उसने ये कहाँ से लिया वहाँ से लिया, तो ऐसा है, शी इज़ सो गुड इन ड्रेसिंग, बहुत अच्छी है उसकी ड्रेसिंग सेंस। तो बस यही है। और अभी विक्की, लास्ट विक्की का टास्क है आज, विक्की ने नहीं बनाया, विक्की सिर्फ आलू टिक्की बना रहा है, बाकी सारी चीज़ें आज मैंने प्रिपेयर करी है, तो बस अभी विक्की का काम चल रहा है, बाकी सब कुछ ऑलरेडी सेट हो चुका है, मुझे बस जो मैंने खाना बनाया है वो मैं अपनी क्रॉकरीज में कन्वर्ट करूँगी, क्योंकि बनाते टाइम तो मैं कढ़ाइयाँ और ये सब चीज़ें कुकर वुकर यूज़ करते हैं, तो उनको मैं दूसरे यूटेंसिल में कन्वर्ट करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। व्हाट आर यू डूइंग? What are you doing? Please let us know. अभी बताता हूँ। Actually, he just saw something on Instagram, right? Yes. And he is trying to copy that thing. Yes. Yeah, it is not looking cool. ठीक है, आप टिश्यू बॉक्स बना रहे हो? हाँ। ऐसा कैसे टिश्यू बॉक्स है, इंसान निकालेगा तो सारा टिश्यू निकलेगा ना, टिश्यू वेस्ट कर रहे हो सच में। I just made this tissue. It is looking really good, हाँ? मुझे नहीं पता था ये ऐसे लगेगा। Nice. ऐसे कलरफुल का भी बना सकते हैं। मरीन ड्राइव ऑफ मुंबई एंड मैं अपनी कज़न के साथ आई थी, वो लोग अभी जस्ट निकले हैं और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और बैठेंगे एंड